हेलो टेंथ क्लास, टुडे वी विल लर्न केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर 10। तो आज का जो बेटा टॉपिक है हमारा, टुडेज टॉपिक वी हैव हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे और इसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, क्लियर। और एक रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन के जरिए हम कोशिश करते हैं कि इसको हल करें, फिर आपको डेफिनेशन भी क्लियरली समझ आ जाएगी। ये एक रिएक्शन है, हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है एंड इट मेक्स अमोनिया, क्लियर। और ये बैलेंस कर ली, इक्वेशन बैलेंस कर ली, बिकॉज इट्स नेसेसरी टू बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट इफ यू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको केसी एक्सप्रेशन लिखूँ तो ये बेटा एक ना, ये इनका ये ज़रूरी है, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा न्यूमिरेटर में आती है और जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं, क्लियर, ठीक है बेटा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस में आती है? न्यूमिरेटर में, ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट्स है ये किस में आता है? डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन के मुताबिक, तो वी विल पुट NH3। यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेस्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट कौन सा हमारे पास? ये 2, ठीक है। तो इसको क्या कहा है कि उन्होंने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब आप यहाँ पे परेशान हो गए कि यहाँ पे तो दो दफ़ा प्रोडक्ट यूज़ कर दिए, ठीक है बेटा। जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट का मतलब है, एक प्रोडक्ट का जो मतलब है, उसका मतलब है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे है ये अकेली, उन्होंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता, ठीक है, या उनके दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन आप इस रिएक्टेंट्स में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इसमें कैसे है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट रेज टू द पावर, ठीक है, कोफिशिएंट क्या 2 है, तो ये पावर में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो रिएक्टेंट की उसने बात की है, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसकी बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये रिएक्टेंट्स की बात है। तो इसकी जो प्रोडक्ट है, क्या चीज़, प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलो मैंने रिपीट कर दिया, रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और इसके नीचे सॉरी 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गैसेस हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहती हैं, और जब 2 लिखा हुआ है तो इसके साथ वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो 1 है तो 1 हम वैसे नहीं लिखते। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये क्या है, 3 है, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, पावर में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है बेटा, ठीक है। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन बेटा ये है जो इनके साथ नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 3 है, ये शो करता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमने, ये 3 है, तो ये हमने क्या कर दी, रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे बात हुई है प्रोडक्ट की, तो मैं प्रोडक्ट पहले भी क्लियर कर सकता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब है क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे भी प्रोडक्ट 2 होती है, हमें प्रोडक्ट वैसे हमारे पास सिंगल ही, अगर 2 होती तो फिर यहाँ पे भी हम कोई और चीज़ भी होती, सपोज यहाँ पे ए होता, ये भी क्या होनी थी, ये भी क्या होनी थी, इनके दरमियान जैसे इसके दरमियान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वैसे हम लिखते नहीं हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है, क्रॉस है यानी मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये अकेले ही है, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर ये 2 होता तो फिर मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता, ठीक है, क्लियर बेटा। ये हो गया आपका, हमने फाइंड कर लिया इसका केसी एक्सप्रेशन लिखने का
तरीका, ठीक है। अब डेफिनेशन इसकी देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये यहाँ पर काम करना है, उसमें कहा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट की पावर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह रिएक्टेंट के बारे में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब आप ये कहें कि रिएक्टेंट में सर प्रोडक्ट आप क्यों कह रहे हैं, मैं फिर से बता दूँ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट की, इसकी यूनिट की, तो इसी के यूनिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और यूनिट हमने सीखा हुआ है कि जो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है ना, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट, वो हमने सीखा हुआ है कि कितना होता है, मोल डेसीमीटर, मोल डेसीमीटर पर क्यूब होता है, ठीक है, क्लियर बेटा, ये यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर हम ये इस केस की एक्सप्रेशन में निकालें तो मोल डेसी, ये क्या है हमारे पास, क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन, जिसके ब्रैकेट लगी हुई है, मोलर कंसंट्रेशन को ब्रैकेट से शो करते हैं, तो जो उसकी पावर है वैसे हम दो लिख देंगे, ये अमोनिया के लिए फाइन कर रहे हैं। फिर हमारे पास है ये नीचे मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, ये कितना है अकेले, इसके इसके ऊपर पावर तो नहीं है, तो कितनी होगी, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ठीक है बेटा, ये भी लिख लें। और फिर आगे है हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन है, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी भी उतनी होगी, लेकिन पावर क्या है, ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और ये पावर कितनी है बेटा, 3, क्लियर। अब ये देखें कट नहीं जाता है, ये कितने, 2 है, तो एक तो इससे कट गया और एक बाकी ऊपर बच गया, ठीक है, वो इन 3 के साथ कटेगा, एक इधर है और एक इसमें से कट गया, बाकी इधर कितने बचे बेटा, 2 बच गए, इधर कितना बचा, 1, और इधर हम इधर कितने बच गया, 2 बच गए ना, 3 थे, तो एक इधर बचा था इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, तो उसकी पावर कितनी है, क्योंकि 2 बच गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो चीज़ बची है वो बेटा ये बची है, 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब पर क्यूब, तो उसकी पावर कितनी है, 2। अगर आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दे फिर भी ठीक है, और अगर आप इसको वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे आपके पास वो जो आते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मोल माइनस 2 एंड डेसीमीटर 6, ठीक है, ये लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी इसकी पावर, डेसीमीटर की पावर क्या आएगी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा इस तरह। तो अगर मैं इसको मज़ीद इसको सिंपलीफाई करके ज़रा बताऊँ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये जैसे लिखा हुआ है तो ये 2 जो है डेसीमीटर क्यूब का भी है और ये 2 मोल का भी है, तो अगर मोल का 2 होगा तो मोल की हम पावर लिख देंगे, कितनी कितनी पावर होगी मोल की, मोल की पावर 2 अलग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ देखते हैं हम, हमारे पास डेसीमीटर क्यूब है, तो डेसीमीटर क्यूब जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, डेसीमीटर क्यूब माइनस 6, क्लियर। और ये आप ऐसे भी लिखा रहने दें फिर भी ठीक है, और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है डेसीमीटर क्यूब माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, सॉरी ये किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास यूनिट आ गए, क्लियर बेटा, होपफुली आपको समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।